वेलकम प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 क्लास 7 फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई इसके हिसाब से आपको इक्वेशन को बनाना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। द सम ऑफ नंबर एक्स एंड फोर, तो सम करना आपको एक्स एंड फोर का इज 9। क्या सम है आपका? 9 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपकी बन गई। सेकंड देखिए क्या कह रहा है। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वाई, फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम वाई तो क्या पहले आएगा? वाई आएगा, क्यों? वाई से आपको सब्ट्रैक्ट करना कितना? 2 इज आएगा क्या आपका? 8 आपका हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। 10 टाइम्स ए, तो 10 टाइम आपका क्या होगा? 10 का मल्टीप्लाई होगा। 10 टाइम्स ए इज 70, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 ए इजकल टू 70, ठीक है, काफ़ी आसान था। चलिए फोर्थ देखते हैं। द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5, बाई 5 है ना, तो 5 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका, तो 5 आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो नंबर है एक बी डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। 3/4 ऑफ टी, टी का 3/4, 3/4 ऑफ टी इज 15, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3t अपॉन 4 इजकल टू 15, ये आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। 7 टाइम एम्स प्लस 7, तो 7 टाइम्स क्या आपका? m है, इसमें प्लस किया है 7, गेट यू आपको क्या मिलेगा? 77, ये इक्वेशन बन जाएगी, सिक्स्थ हो जाएगा। अब देखते हैं सेवेंथ। सेवेंथ देखिए, 1/4 ऑफ ए नंबर x, x का 1/4 माइनस फोर किया गिव्स 4 मिलेगा। ज़रा देखिए इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x का वन में करेंगे, x अपॉन 4 माइनस 4 इजक्ल टू 4। आप चाहो तो इसको यहाँ पर 1 लेके इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपॉन 1 किया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, तो ऊपर वाला सेम रहेगा, 1/4 जा 4 और 4/4 जा 16 इजकल टू 4, ठीक है। तो ये आपका 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो एक्स माइनस 16 इजकल टू 16, ये भी एक क्वेश्चन आपकी बन सकती है। वैसे आपका यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा आपका यहाँ पे? एक्स बाई 4 माइनस 4 इजकल टू 4, ठीक है, यही आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ पार्ट देखते हैं इसका। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, आपको 6 टेक करना है 6 टाइम वाई, तो 6 टाइम वाई से आपने क्या किया? 6 को टेक अवे कर लिया, यू गेट 60, आपको 60 मिला, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ देखते हैं क्या है। इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ जेड इसमें आपको ऐड करना है कितना? 3, तो आपका कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू जेड, ऑफ का क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो जेड इंटू 1, जेड अपॉन 3 प्लस 3 इजक्ल टू 30, आप इसको इतना ही रखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी इसको हम एलसीएम लेके यहाँ पर अपॉन 1 करके इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए सॉल्व ही कर देते हैं, तो जेड अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 1 आ जाएगा इजक्ल टू 30, तो एलसीएम मैंने लिया 3 आ गया, 3 1 जा 3, तो जेड का जेड रहेगा, 1 3 जा और 3 3 जा 9 इजक्ल टू 30, तो जेड प्लस 9 इजक्ल टू, इसका करेंगे से मल्टीप्लाई, तो आपका कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, हालांकि आपको ये दिया गया होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में देख लीजिए, जो भी आपका हो आप इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।